प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीते दिनों 7,600 करोड़ 49 लाख किसानों को फसल बीमा की मुआवजा राशि दी गई, जिसको लेकर स्वीकृति के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री सह सीएम शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया 26 फरवरी को इंदौर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से कैबिनेट मंत्री सिलावट ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश सहित इंदौर में 1,86,000 किसानों को 380 करोड़ 54 लाख रुपए फसल बीमा का लाभ केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के नेतृत्व में मिला है। इस फसल बीमा के अंतर्गत कई किसानों को जहां 9-9 और 4-4 लाख तक राशि प्राप्त हुई है, तो वहीं इंदौर के विधानसभा क्षेत्र सावेर में 50,000 किसानों को 125 करोड़ रुपए फसल बीमा का लाभ मिला है। सिलावट ने कहा कि ऐसा ही होगा तो लेकर 26 फरवरी को सावेर विधानसभा क्षेत्र के बल्लाई शुगर मिल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, जहां वह किसानों से रूबरू होंगे। विमानों पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा द्वारा जोरदार स्तर पर तैयारी की जा रही है। जो हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल योजना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले दिन 7,600 करोड़ लगभग 49 लाख किसानों को जो राशि दी है, इसी संदर्भ में नरेंद्र तोमर जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सिंधिया जी भी उसमें स्वीकृत करेंगे। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में 1,86,000 किसानों को 380 करोड़ 54 लाख फसल बीमा का लाभ मिला। किसी किसानों को तो 9-9 लाख 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए मिले हैं और सावेर में 50,000 किसानों को 125 करोड़ का लाभ, इस फसल बीमा का लाभ मिला है। इसी सौगात को लेकर केंद्रीय मंत्री हमारे वरिष्ठतम नरेंद्र तोमर जी, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और सिंधिया जी 26 तारीख को बरलई सावेर शुगर मिल में आ रहे हैं। 12 बजे प्रोग्राम निर्धारित हुआ है और बड़े पैमाने पर किसानों से मिलने आ रहे हैं। आभार व्यक्त करेंगे किसान लोग।